नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत हमेशा ही अपने बयानों को लेकर किसी न किसी के निशाने पर आ ही जाती। हाल ही में कंगना ने ट्विटर पर टीएमसी नेताओं और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी की थी। कंगना ने अपने ट्वीट्स के जरिए विवादित बातें कही थी, जिसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड की इस पंगा गर्ल ने ऑक्सीजन को लेकर भी ऐसी बात बोल दी थी कि हर कोई हैरान रह गया था, और उनकी ये बात टीवी एक्टर करण पटेल को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। दरअसल हाल ही में कंगना ने ऑक्सीजन को लेकर भी एक ट्वीट किया था, जिसका टीवी एक्टर करण पटेल ने खूब मजाक उड़ाया था। उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पर कंगना रनौत को देश की बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन भी कह डाला था। लेकिन लगता है कंगना रनौत का मजाक उड़ाना अब करण पटेल पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि करण की इन बातों का कंगना की बहन रंगोली ने करारा जवाब दिया और करण पटेल को लताड़ते हुए उनकी इस इंस्टा स्टोरी पर कमेंट करते हुए उन्हें नल्ला तक बता दिया। रंगोली चंदेल ने लिखा, और तुम सबसे नल्ले इंसान हो जो इस देश ने अभी तक पैदा किया, जिसने प्रकृति के लिए कुछ नहीं किया, जो सिर्फ धरती माँ पर एक बोझ है, कुछ आभार व्यक्त करो और अच्छा महसूस करो। बता दें कि कंगना के ऑक्सीजन वाले कमेंट पर करण पटेल ने कंगना रनौत का एक ट्वीट शेयर कर उनका मजाक उड़ाया था। एक्टर ने लिखा था, देश ने इस महिला के जरिए बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन पैदा किया। अब चलिए आपको बताते हैं कि कंगना ने ऐसा भी क्या ट्वीट किया था जो करण पटेल ने स्टैंड अप कॉमेडियन बता दी। बता दें कि कंगना रनौत ने ऑक्सीजन की कमी के लिए पेड़ों के काटने को जिम्मेदार बताया। एक्ट्रेस ने लिखा था, हर कोई ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा, टन पर टन ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे, हम उन सभी ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति अब कैसे करेंगे जो हमने पर्यावरण से जबरदस्ती खींची। ऐसा लगता है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, यही इस मुसीबत की वजह भी है, पेड़ जरूर लगाए। बताते चले कि देश में कोरोना के कहर ने हर किसी को परेशान कर रखा है। अब हाल ये हो गया है कि अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही, जिस कारण कई लोगों की जान जा रही। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी को कंगना ने पेड़ों का काटना बताया, जिसे लेकर वो करण पटेल के साथ साथ कुछ लोगों के निशाने पर भी आ गई थी। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि कंगना के बहन के जवाब पर करण पटेल किस तरह रिएक्ट करते हैं। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।